उड़ान की चकोर बहुत दुखी है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आज उसका सहारा बना है एक पुलिस ऑफिसर जो चकोर की दो दो बार जान बचा चुका है, उसका खूब ख्याल रख रहा है। दिल के दर्द से दुखी चकोर को चंदू हलवाई की गर्मा गर्म जलेबी दूध के साथ खिला रहा है। मिलिए इंस्पेक्टर रणविजय से। ये है इंस्पेक्टर रणविजय जिन्होंने मेरी जान बचाई दो दो बार। इससे पहले जब मुझे गुंडे पकड़ रहे होते हैं तो उन्होंने तभी भी मंदिर में जान बचाई होती है। दो बार, दो चार होते हैं, दो बार। ओके सॉरी बैड वर्ड। तो मंदिर में इन्होंने जान बचाई और अभी भी इन्होंने मेरी जान बचाई। मैं बहुत लॉस्ट चल रही थी तो बस आके मुझे टक्कर मारने वाली, तो ये मुझे बचा लेते हैं। रिया और बस फिर यहाँ पे इनको दूध और जलेबी जैसा आप देख रहे थे खिलाई और पिलाई और उसके बाद इनको भी मैं सही जगह पे लेके जा रहा हूँ, छोड़ने जा रहा हूँ। चकोर इसी पुलिस ऑफिसर की जीप में बैठकर चली गई, इस बात से अनजान कि उसे कोई पुकार रहा है। चकोर के इस दुख का कारण बनी है उसी की बहन इमली, जो उसके पीछे पीछे सूरज के साथ आ पहुंची है वाराणसी। सूरज तो चकोर को मिलने के लिए उत्साहित है मगर इमली चकोर को फोन करके ये बताती है कि सूरज तुम्हें मारने के लिए वाराणसी आ पहुंचा है। इमली अब चकोर की दुश्मन नंबर वन जो बन गई है। मैं सही हूँ, मतलब उसके वजह से मेरे और विमान के बीच में दरारें आ गई, ठीक है, हम अलग हो गए। मेरा बेचारा विमान पता नहीं किस हालत में कोमा में ऐसे घर पे पड़ा हुआ है, तो मैं उसे और सूरज को खुश कैसे देख सकती हूँ। चकोर और सूरज की दूरी को बनाए रखने की इमली पूरी कोशिश कर रही है। सूरज अगर चकोर को याद करे तो वो गुस्सा भी हो जाती है और फिर चकोर को फोन करके उसे सूरज के खिलाफ भड़का रही है। ना जाने कब दूर होगी ये गलतफहमी और कब मिलेंगे सूरज और चकोर। मुंबई से निशी मिश्रा और स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।